हमारे ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने पिछले लेक्चर को देखा होगा, अगर उसमें कहीं भी कुछ भी डाउट हो, जहाँ आपको ना समझ में आए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले लेक्चर में क्या क्या हम सीखे थे उसको एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसा कि उसमें हमने देखा था, डायमेंशनल फार्मूला का अप्लीकेशन हम देख रहे थे। पहला अप्लीकेशन था कि कोई भी एक सिस्टम में यूनिट दे होगी उसको हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते थे। दूसरा अप्लीकेशन था कि हमें 2 से 3 रिलेशनशिप दिए रहेंगे जिसमें हमें कोई भी एक ऐसा अननोन होगा जिसके डायमेंशंस नहीं मालूम होगी, उसका हमको डायमेंशन निकालना था। उसको निकालने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन को इक्वल करते थे। अब आइए उसका तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं। तीसरा एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी रहेगी उसको हम एक रिलेशन देंगे, वो किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। We can derive an expression for a physical quantity if we know the various factors on which it depends. अब देखो, ये कह रहा है कि हम किसी भी physical quantity का expression लिख सकते हैं अगर वो किस किस factor पे depend कर रही हो वो हमको पता चल जाए। अब आइए इसको हम एक example से समझते हैं तो आपको सारा चीज clear हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल में क्या करा, लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब देखो, ये बोल रहा है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन डिराइव करो जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स एक पार्टिकल है जिसका मास एम है वो भी वेलोसिटी से एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है उसमें मूव कर रहा है। अब देखो, कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन हो आप उसको डायग्राम बना दें तो उससे आपको विजुलाइजेशन हो जाता है जिससे क्वेश्चन करना काफी आसान होता है। तो आइए सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। अब देखो बोल क्या रहा है कि इसका रेडियस आर है, मान लेते हैं पार्टिकल का मास एम है और ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस सर्कल में। अब देखो, ये जब मूव करेगा तो इस पे 2 टाइप के फोर्स लगेंगे, एक लगेगा इनवर्ड की तरफ, एक लगेगा आउटवर्ड की तरफ। जो इनवर्ड फोर्स इसे बैलेंस करता है उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं और इस पार्टिकल जो आउटवर्ड लगता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो आपको ये दोनों चीज क्लियर हो गई होगी कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों अलग अलग फोर्स है, ना कि एक ही है। अब देखो, जब भी ऐसा आए तो हम इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम जो भी एक्सप्रेशन हमसे पूछ रहा है वो किस किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है उसको हमें लिख लेना है। तो इस क्वेश्चन में अब देखो, ये किस किस पे डिपेंड करना है, जिसपे दोनों हम एक प्रोपोर्शनलिटी कंस्ट्रेंट लगाएंगे। अब देखो, ये मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है एंड रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो, डायमेंशनल फार्मूला अपना होता है कि हम फंडामेंटल क्वांटिटी हो या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसको पावर में लिखते हैं। तो मान लेते हैं इसका अननोन पावर ए है, इसका बी है, इसका सी है। अब जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू ले आते हैं जो डायमेंशन लेस है, इंटू एम के पावर ए, बी के पावर बी, आर के पावर सी। अब देखो, हम कांस्टेंट क्यों लाए, जब इसको हम लाए तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर होगी। देखो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड बराबर ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे भी ये हमने इक्वल का साइन लगाया तो एक हम कांस्टेंट की वैल्यू लगाए, इसका वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। तो आपको ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कब इक्वल करके हम कांस्टेंट क्यों लाते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, स्टेप टू में आपको क्या करना है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है आपको सबका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना है। इसको मैं लिख देता हूँ, राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटी विच इज
given in the question, right dimensional formula. अब देखो एक एक काम देख देते हैं, जैसा कि फोर्स का हमें पता है, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, इस पे हम लोगों ने कल बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आपको समझ आ गया होगा। अब देखो राइट हैंड साइड कर लेते हैं, के तो डायमेंशन लेस है, इसका वन हो जाएगा। मास है, मास को अगर हम देखेंगे तो इसका कैपिटल एम। वेलोसिटी का आपको पता होगा, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम होती है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी माइनस वन। एंड आर आपका रेडियस है, इसको मेजर करने के लिए मीटर यूज होता है, मीटर की फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आइए हम स्टेप थ्री देखते हैं, इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब जो भी हम फार्मूला लेके आए, इन सब को हमें उसका मान इक्वेशन वन में रख देना है। इक्वेशन वन अपना था क्या, एफ इक्वल टू के एम के पावर ए वी के पावर बी इंटू आर के पावर सी। अब देखो स्टेप थ्री हम लगा रहे हैं, स्टेप थ्री में जो भी डायमेंशनल फार्मूला है सबको हम रख देते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है, इसका डायमेंशन फार्मूला है एम एल टी माइनस टू। अब देखो के एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जिसकी मास वैल्यू वन होगी, मास का होगा एम। अब देखो इसका पावर हमने ए बी सी माना जो अननोन है, अगर हमें ए बी सी किसी तरह पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं कि फोर्स का इक्वेशन क्या क्या आएगा। भी वेलोसिटी का है डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन के पावर बी, रेडियस के पावर सी। अब देखो जो सेम वैल्यू है उसको हम एक साथ करते हैं, देखो यहाँ एम एल टी माइनस टू कर लेते हैं, इधर वन, देखो एम अकेला है, एम के पावर ए आ जाएगा। अब देखो एल यहाँ बी है, यहाँ एल सॉरी यहाँ मैं मिस्टेक कर गया, ये अपना एल है, तो जब एल के पावर यहाँ अपना आएगा B प्लस सी। अब ए आपको पता चला ना, यहाँ भी देखो ए एल के पावर भी बी है, टी के पावर माइनस बी है, जब ब्रैकेट अंदर जाओगे इनटू टी के पावर माइनस बी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक बोल सकते हैं कमेंट करके कि हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अगर आप एक बार वीडियो पॉज करके फिर से देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए अब स्टेप फोर हम शुरू करते हैं। अब स्टेप फोर में होगी कि जो भी डायमेंशंस क्वांटिटी सेम है उसको हम कंपेयर करेंगे। अब देखो जब हम मास को कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एम की पावर वन है एंड राइट साइड में ए है, तो हमें ए की वैल्यू पता चल गई वन है। इसी तरीके से जब हम एल को कंपेयर करेंगे तो बी प्लस सी बराबर वन है, और जब हम टी को कंपेयर करेंगे तो माइनस बी बराबर माइनस टू है। ये अपने पास इक्वेशन दो, इक्वेशन तीन एंड इक्वेशन चार। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये बी से बी हट जाएगा, बी की वैल्यू आ गई टू। अब b की वैल्यू जब हम इक्वेशन थ्री में रखेंगे, इसको यही मैं कर देता हूँ, जब b की वैल्यू आप थ्री में डालेंगे b इक्वल टू वन माइनस टू, तो b बराबर आ गया माइनस वन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए हम a b c की एक बार फिर से लिख लेते हैं क्या क्या आया है। a इक्वल टू अपना आया है वन, B इक्वल टू अपना आया है टू एंड C इक्वल टू आया है माइनस वन। यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखो स्टेप कहां तक हम आ गए थे, स्टेप फोर तक। अब स्टेप फाइव में हम क्या करेंगे, A B C की वैल्यू हम इक्वेशन वन में रख देंगे। तो देखिए हम रखते हैं के M के पावर क्या आया, A की वैल्यू वन है,
वी के पावर टू एंड सी के पावर सॉरी तीसरा वेरिएबल अपना आर था, आर के पावर माइनस वन। अब इसको हम और सिंपलीफाई करते हैं, एफ इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, आर को नीचे लाएंगे तो आर। ये रहा आपका सेंट्रीपिटल का फार्मूला। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। के एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट होता है। बेसिकली हम इसको वन मानते हैं अपने नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया हो आप वीडियो को एक बार पॉज करिएगा, फिर से देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन अब हम और देखते हैं इसी पे, तो इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या करा, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास एम ऑफ द बॉब, लेंथ एल ऑफ द पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट दिस प्लेस, derive an expression for its time period using method of dimension। अब देखो ये कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसके बाप का मास m है, उसका लेंथ l है और acceleration due to gravity g है। हमें dimensional formula का यूज करके इसके टाइम पीरियड का एक इक्वेशन निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक बॉब है। अब ए मानिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसका लेंथ हमने को दिया गया है एल है जो बॉब का लेंथ है, इसका मास एम है, ग्रेविटी है जी। ए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए हम शुरू करते हैं स्टेप वन। देखो हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को लिखने के लिए क्या होता है, टी। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम देखते हैं कि एम पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है, जे पे डिपेंड कर रहा है। आप इन सब का एक अननोन दे दीजिए, इसका पावर ए, इसका पावर बी, इसका पावर सी। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरा, हम इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब भी हटेगा एक कांस्टेंट डायमेंशन लेस आएगी, टी इक्वल टू के एम के पावर ए, एल के पावर बी एंड जी के पावर सी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन वन है। अब स्टेप टू में क्या करना है, आपको डायमेंशन फार्मूले लिखने हैं सारे जो भी इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टाइम का अपना टी ही रहेगा, दूसरा है मास, मास को हम कैपिटल एम से लिख रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तीसरा है अपना लेंथ, इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी है एल। एंड चौथा ही डिपेंड कर रहा है जी, जी आपका ग्रेविटी है, इसी का होगा एल टी माइनस टू। ये सब आपको याद होंगे। अब देखो ए आ गया, अब आगे हमें क्या करना है। जैसे ही ये आया, अब इसका मान हम स्टेप थ्री में जाएंगे। स्टेप थ्री में क्या करते थे, जो भी डायमेंशनल फार्मूला है उसको हम इक्वेशन वन में रख देते हैं। तो इक्वेशन वन में आपको दिखा देता हूं क्या था। इक्वेशन वन अपना था टी इक्वल टू के एम के पावर ए, एल के पावर बी इंटू जी के पावर सी। अब आइए दोनों साइड इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। टी का टाइम पीरियड है टी, के का वन हो जाएगा, मास का एम के पावर ए, लेंथ का एल होगा इसका पावर बी, जी का होगा एल टी माइनस टू के पावर सी। अब देखो जो भी सेम क्वांटिटी है उसको एक साथ कर देते हैं, जैसे एल एल यहाँ सेम है। तो टी, अब देखो टी को कंपेयर करने के लिए हम एम एल टी तीनों लिख देते हैं, एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी के पावर वन। ये देखो इसलिए मैंने लिखा ताकि कंपेयर करने में आपको आसानी हो, नहीं तो
कोई स्टूडेंट होते हैं उनको डाउट आ जाता है कि इधर क्या, इधर तो MLT है, इधर केवल T है, कैसे कंपेयर कर। तो किसी की भी पावर 0 आप करोगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखो यहाँ लिख देते हैं, M के पावर A, L के पावर B प्लस C एंड T के पावर -2C। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसको हम कंपेयर करते हैं। जब हम एम को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए इक्वल टू 0। देखो यहाँ एक एम के पावर 0 है, एम के पावर ए है। एल को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, जब हम एल को कंपेयर करेंगे तो बी प्लस सी इक्वल टू 0 आया, बी इक्वल टू -C। इक्वेशन अपने 3, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब जब हम टी को कंपेयर करेंगे, -2C इक्वल टू 1, सी इक्वल टू अपना आएगा -1/2। ये इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 4 से जब सी की वैल्यू -1/2 है तो बी की वैल्यू आएगी 1/2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। अब आइए स्टेप कहाँ तक हम पहुंचे, स्टेप 3 हो गया था, स्टेप 4 में चलते हैं। स्टेप 4 में हम जो भी एबीसी की वैल्यू आए उसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 अपना था के इक्वल टू के एम एल जी, एम के पावर ए, एल के पावर बी, जी के पावर सी। अब इन सब का वैल्यू आप रखे, टी इक्वल टू के एम के पावर 0, ए के पावर बी है, बी की वैल्यू अपने पास आई है 1/2, जी के पावर आई है -1/2। इसको और सिंपलीफाई करोगे कि एम के पावर 0 है, 1 हो जाएगा। अब देखो एल को जब हम करेंगे तो ए एल बाई जी नीचे आएगा। तो ये रहा इसका एक्सप्रेशन, जहां के एक कांस्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में हम जब एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं तो के की वैल्यू बेसिकली आती है टी है, तो उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ केवल टी इक्वल टू के रूट एल बाई जी, ये रहा अपना एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से आ गए होंगे। आइए एक क्वेश्चन और करता हूँ, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप खुद ही कर लोगे। देखो कोई भी क्वेश्चन हो आप खुद से ट्राई जब तक नहीं करेंगे आपको से नहीं बनेगा एग्जाम में। अब देखो इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो फिर सोल्यूशन देखिए जो मैं कर रहा हूँ, और आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ मिस्टेक हुई थी। देखो एग्जाम में क्वेश्चन तो आप ही को करना है, तो इसलिए उसकी अभ्यास से आदत डाल लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिराइव बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन एंड एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड थ्रू अ नैरो पाइप, अज्यूम दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन। अब देखो ये बोल रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके एक एक्सप्रेशन डिराइव करो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। कोई एक नैरो पाइप है जहां से फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है, वो पर सेकेंड में कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है उसका हमें एक एक इक्वेशन डिराइव करना है। अब वो एक्सप्रेशन किस किस पे डिपेंड कर रहा है वो भी अपने को दे दिया है। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, रेडियस पाइप का दिया है आर, एंड प्रेशर ग्रेडियंट PYL along the pipe, ये भी हमको दे दिया गया। तो आइए मैं इसको पहले ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ सिचुएशन है। ये मानिए एक पाइप है जिसमें फ्लूइड आ रहा है इधर से। अब एक पाइप का रेडियस जो है ये आपको दिया गया है आर, जो फ्लूइड है इसकी विस्कोसिटी दी गई है ईटा, एंड जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो है PYL। देखो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जब भी अगर एक पॉइंट से आप जाना शुरू करोगे, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्रेशर घटता जाता है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था कि सबसे पहले हमें लिख देना है कि जो एक्सप्रेशन हमसे पूछा है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे कि यहाँ कोलोम, देखो यहाँ एक है कोलोम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड पूछा है। तो कोलोम फ्लोइंग पर सेकेंड को हम टाइम्स लिखेंगे। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ईटा के पावर ए हम ले लेते हैं, आर के पावर बी ले लेते हैं, एंड प्रेशर पर यूनिट लेंथ के पावर सी ले लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं। जब इसको हटाओगे तो ईटा के पावर ए, आर के पावर बी, पी बाई एल के पावर सी। अब देखो स्टेप टू, मैं भी डायरेक्ट लिखता हूँ स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं कि सबका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। अब देखो जब वी बाई टी लिखोगे, यहाँ वी आपका कूलम है ना कि वेलोसिटी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। वी इक्वल टू कूलम है। अब जब कूलम का हम लेंगे एल क्यूब बाई टी, टी ऊपर आएगा, एल क्यूब टी -1 हो जाएगा। अब देखो आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट याद होगी, नहीं भी याद होगी इसको याद करके रखिए, बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में आता है। एम एल -1 टी -1 जब आप फ्लूइड में होंगे तो वहां आपको अच्छे से समझ में आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका यूज क्या है फ्लूइड में, ये सब वहाँ डिटेल में डिस्कशन होगा। अभी के लिए आप तो इतना समझिए। एंड देखो आर है आपका रेडियस, इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लेंथ। अब अगला है प्रेशर पर यूनिट लेंथ। अब देखो प्रेशर पर यूनिट लेंथ, अब इसका निकालने के लिए आप क्या करोगे? आपको पता है प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया इनटू लेंथ। तो देखो फोर्स का तो आपको पता ही है कि डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टी -2। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला होगा एल स्क्वायर, और एक एल पहले से है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एम, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा एम। अब देखो एक एल है, एक एल से गया, एम एल के पावर -2 एंड टी के पावर -2, एम एल के पावर -2 एंड टी के पावर -2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अब आइए स्टेप 3 में हम क्या करते थे, इसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते थे। तो इक्वेशन 1 अपना है क्या? वी बाई टी। वी बाई टी का आया क्या? एल क्यूब टी -1 इक्वल टू के, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो 1 ही होगा। ईटा का हमने देखा था एम एल -1 टी के पावर -1 के पावर ए, दूसरा था आपका एल एल के पावर बी, एंड तीसरा था आपका एम एल के पावर -2 टी के पावर -2 के पावर सी। देखो सबको एक साथ, तो देखो यहाँ एम है, यहाँ भी एम है, इधर एल है, इधर एल है, यहाँ भी एल है, हम इसको एक साथ कर देते हैं ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी हो। तो एम नहीं है तो हम उसको एम के पावर 0 दे देंगे, एल क्यूब टी के पावर -1 बराबर। अब देखो एम एम कहाँ है? ए है, इधर क्या है? सी है, ए प्लस सी। अब एल में देखिए, इसको ब्रैकेट मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप लगा सकते हैं। एल के पावर, अब देखो यहाँ क्या है? माइनस है, यहाँ प्लस बी, और इधर -2 सी। अब टी का कहाँ कहाँ है? टी का ये आएगा -A एंड -2 सी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप फिर से वीडियो बैक करके देख सकते हो, ये मैंने कैसे किया, कुछ नहीं किया है, बस एम ए टी को करके पावर को हमने ऐड करके लिखा है। अब कंपेयर करना शुरू करते हैं। जब हम एम को कंपेयर करेंगे तो ए प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा,
इसको हम a इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं। a हो गया हमारा इक्वेशन दो। जब हम l को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस a प्लस बी माइनस टू सी इक्वल टू थ्री। यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई भी इशू नहीं होगा। इसको हम इक्वेशन तीन मान लेते हैं। जब हम p को कंपेयर करेंगे तो माइनस ए माइनस टू सी इक्वल टू माइनस वन। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम निकालते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अब देखो a इक्वल टू माइनस सी हो गया है अपना। जब हम c की वैल्यू इक्वेशन थ्री में डालेंगे तो हमें मिलेगी c इक्वल टू वन। अगर c इक्वल टू वन मिला तो a इक्वल टू माइनस वन। देखो ये आपको अगर ना समझ में आया हो तो आप, ये बहुत ही छोटा सा कंक्लूजन है, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। अब देखो c और a का ये वैल्यू हम इक्वेशन थ्री में डालते हैं, यहाँ a की अननोन है b, तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो प्लस वन प्लस बी माइनस टू इक्वल टू थ्री। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, माइनस वन आगे इधर जाएगा प्लस वन, बी इक्वल टू फोर। अब आपको सब वैल्यू मिल गई है, ए की इक्वल टू आया माइनस वन, बी इक्वल टू आया फोर एंड सी इक्वल टू आया माइनस सी इक्वल टू प्लस वन। देखिए अगर कैलकुलेशन में कहीं भी आपको ना समझ में आया हो आप एक बार फिर से देखिएगा और खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन करने की स्पीड आपकी उतनी अच्छी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड अपने आप आती जाएगी। तो अब स्टेप फाइव हम करते हैं, इसका मान उठा के इक्वेशन वन में रखते हैं। तो जब हम करेंगे तो कूलम पर यूनिट टाइम अपना आएगा, इसके पावर ए था तो माइनस वन, दूसरा था अपना आर, आर के पावर बी तो फोर आ गया, तीसरा था अपना प्रेशर पर यूनिट लेंथ, इसके पावर सी तो वन आ जाएगा। एक अपना डायमेंशनलेस कांस्टेंट था। अब जब हम इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो वी बाई टी इक्वल टू के आर के पावर फोर इंटू बी। अब देखो ए विस्कोसिटी को हम नीचे लाते हैं, विस्कोसिटी इंटू एल, ये रहा इसका एक्सप्रेशन जो हमसे पूछा जाता है, जहां आपको इसका मीनिंग पता है, वॉल्यूम है, भी आपका वॉल्यूम है, इसको विलास्टी मत समझिएगा, टी है टाइम है, आर है रेडियस है, पी है प्रेशर है, ईटा है आपकी विस्कोसिटी है, एल है आपकी पाइप की लेंथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस पर आप दो तीन क्वेश्चन खुद से करिएगा, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ तक आपका डायमेंशनल एनालिसिस जो था खत्म हो गया है, अब उसके हम लिमिटेशंस देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है द मेथड डज नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। अब देखो हमने जो भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट के प्रोपोर्शनलिटी हटा के मानते थे उसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं दे सकता है वो क्या है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। तो एक ए प्रॉब्लम आती है। दूसरा है इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन थ्री टाइप वेरिएबल्स। देखो ए मेथड अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, तीन से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड हो तो ये नहीं अप्लाई होता। तीन से ज्यादा वाले का आप जब हायर स्टडीज करोगे तो वहां बताया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल अभी थ्री टाइप का है। तो इतना ही एम एल टी या कोई भी थीटा किसी भी तीन कॉम्बिनेशन का ही दिया रहता है, अगर उससे ज्यादा होगा तो ये मेथड फेल हो जाता है। आइए अगला देखते हैं। इट फेल्स टू डिराइव रिलेशनशिप व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री या लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसका एक्सप्रेशन नहीं डिराइव कर सकता, क्योंकि आपको एक कांस्टेंट आ जाएगा जो जिसकी वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। चौथा है इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर और वेक्टर।
अब देखो, एक ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता जिससे आपको ये पता चल सके कि ये स्केलर थी या वेक्टर थी। देखो, स्केलर एंड वेक्टर हम लोग आगे एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर भी हम आपको बता, स्केलर वो होता है जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायमेंशन दोनों होती है। एकदम डिटेल में आपको हम सिखाएंगे डायमेंशंस प्लस मैग्नीट्यूड। अगर ये रहा तो ये आपका होगा वेक्टर। अब देखो, जितनी भी हमने क्वांटिटी ड्राइव किया, देखो इसको आप देख के नहीं बता सकते कि स्केलर है कि वेक्टर है। इसको भी आप देख के, जो टी इक्वल टू 2 पाई रूट L/G हम लोग लाए थे, उससे नहीं पता चल सकता। तो ये सब इसकी लिमिटेशन है, आपको याद रहना चाहिए। कभी कभी MCQ में पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पे फिर मैं इस पे आप लोग खुद से कुछ क्वेश्चन करिएगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।